લોકસભા ચૂંટણીમાં જબરદસ્ત હાર મળ્યા બાદ ઉત્તર પ્રદેશમાં માયાવતીએ ગઠબંધનથી અલગ થવાનો સંકેત આપ્યો છે, જ્યારે હવે સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે પણ આ અંગે ટિપ્પણી કરી છે. આઝમગઢમાં પત્રકારોએ કરેલા સવાલો પર અખિલેશ યાદવે જવાબ આપ્યો હતો કે હવે તેઓ પોતાના સાધન અને સંસાધનો વડે જ ચૂંટણી લડશે. તો આ મુદ્દે બસપા પ્રમુખ માયાવતીએ પણ તેમની પ્રતિક્રિયા જણાવી હતી. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से बीएसपी व सपा का गठबंधन हुआ है तो तब से खासकर सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिल्ले सिकुओं को भुलाकर व्यापक देश व जनहित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा पूरा आदर सम्मान भी दिया है. और हमारे ये रिश्ते केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे. अर्थात हमारे ये रिश्ते अब कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी पूरी कोशिश बनी रहेगी. लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये भी सभी जानते हैं. और इसलिए अभी अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं, तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बहुल्य जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है अपने यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है. मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूँगा और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे. समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी.